डीटी में यूज पोर्शन पेंडिंग है, क्या करें? पीजीबीपी का डर लग रहा है, किस ऑर्डर में हमको पढ़ाई करनी चाहिए? क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें या कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करें? दिमाग में सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, हमको कुछ याद नहीं आ पा रहा है जो हमने पहले पढ़ रखा है। पास होने जितने टॉपिक बता दो, किस प्रकार से हमको डीटी पढ़ना है? टीडीएस टैक्स ऑडिट जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स का क्या करें? और पेपर प्रेजेंटेशन के कुछ प्रो टिप्स जो कि आपके एग्जाम में पक्का 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 नंबर बढ़ाएगी, ऐसे एग्जाम राइटिंग हैक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। फटाफट तरीके से वीडियो को लाइक करके, अपनी अटेंडेंस लगा के, दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमिटमेंट कर दो कमेंट में, यस आई विल रॉक इन डीटी। डीटी में करेंगे रॉक, आईसीआई को करेंगे शॉक कि हम लोग इतने जबरदस्त मार्क्स ला कैसे सकते हैं। लाओगे लाओगे, बिल्कुल लाओगे, पक्का लाओगे, आईसीआई को शॉक कर करो, डीटी में रॉक करोगे। कमिटमेंट करके जाओ अभी कभी और वीडियो को लाइक कर दो। सर ह्यूज पोर्शन पेंडिंग वालों को मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं सर। सबसे पहला ऑप्शन, केवल और केवल क्वेश्चन बैंक कर लो, अब कॉन्सेप्ट बुक देखने का टाइम आपका जा चुका है, ठीक है। अब आप दिक्कत कहां पे आ रही है ना, आप लोग क्वेश्चन बैंक कहां नहीं कर पा रहे हो ना, आप अभी भी उसको याद करने बैठ रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं एकदम परफेक्ट तरीके से कर लूं, मेरे को याद आएगा कि नहीं आएगा उधर, आप उसको बार बार देख रहे हो। मैंने बोला नहीं, सिर्फ एक बार उसके पास से गो थ्रू करो, आपको उसको याद करने नहीं बैठना है। क्वेश्चन बैंक उठाई एक चैप्टर की मैंने, बस उसको एक बार ऐसा ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लो, ठीक है। सारे चैप्टर के लिए ये टेक्निक यूज करनी है, थ्योरी चैप्टर हो चाहे प्रैक्टिकल चैप्टर हो। ये था मेरा ऑप्शन नंबर वन, खाली क्वेश्चन बैंक करनी है। इसमें अगर आपको कोई नहीं याद आ रहा है ना कंसेप्ट, यानी आप क्वेश्चन बैंक करने बैठे उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो फटाफट जाकर मैराथन रिवीजन लेक्चर देख लो। अपने कंसेप्ट बुक में से पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा ये भी कर लूं वो भी कर लूं, नहीं, मैराथन रिवीजन लेक्चर जाओ, वही वाला पार्ट देखना, बस खत्म करके बैठ जाओ, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अपने नोट्स करो प्लस खाली और खाली मॉड्यूल क्वेश्चंस कर लो। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, जो आपको ठीक लगता है वो करो, जो आपको सूटेबल लग रहा है वो करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट फॉलो कर ले क्या सर? मैंने बोला नहीं। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ही फॉलो करनी है तो नोट्स के साथ मॉड्यूल क्वेश्चन वाला कर लेना। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हम खाली सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते, तो मैंने बोला नहीं, नोट्स के साथ मॉड्यूल क्वेश्चन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से हो भी सकता है कि पेपर आ जाए, पूरा गैम्बल जैसा है, पर मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं ना, देखो मान लो चैप्टर नंबर वन के आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, चैप्टर नंबर टू के आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, और दोनों ही चैप्टर में से पूछा आईसीआई ने, लेकिन वो पूछा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मार्क नहीं करा गया था, ठीक है। तो उन लोगों ने पूछा भी और आप लोग उसका जवाब भी नहीं दे पाए, और आप लोगों ने उस चैप्टर के पीछे मेहनत तो करी थी, तो आप मेहनत भी करोगे और उसका फल भी नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं है ना। तो दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की बहुत अच्छा हो तो नोट्स प्लस मॉड्यूल क्वेश्चन वाला ही आपको फॉर्मुला यूज करना है, नहीं तो आप क्या करो, खाली क्वेश्चन बैंक देख लो, अपने कंसेप्ट नोट्स को बाजू में रखो, ठीक है। कंसेप्ट नोट देखना है तो मॉड्यूल क्वेश्चन साथ में कर लेना, ठीक है। जहां जहां भी आपको लगे ना मैं भूल रहा हूं कोई चीज को, यानी कि आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको खाली क्वेश्चन करो, तो आपको कोई लगेगा कि मैं ये कंसेप्ट भूल रहा हूँ, तो क्या देख लेना, रिवीजन लेक्चर देख लेना, या कल बहुत सारे टीचरों ने मैराथन ली तो वो देख सकते हो। ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम लोग को डीटी पढ़ना है, कैटेगरी वाइज। मैंने कैटेगरी 1, 2, 3, 4 करके वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ऑडिट डीटी एलटी तीनों का जिक्र किया था। डीटी वाला पार्ट देख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा एग्जाम में मदद करेगा। मैंने मार्क्स वाइज ऑर्डर बता रखा है उसमें कि ये मतलब इस कैटेगरी में से इतने मार्क्स का पूछेंगे, ठीक है। वो एस्टिमेटेड कवरेज है कि इसमें से एस्टिमेटेडली इतना मार्क का आएगा, एग्जैक्ट नहीं है वो, लेकिन घुमा फिरा के अराउंड अराउंड करके ऑन एन एवरेज इतना ही मार्क का आएगा, 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे ले लेना, ठीक है। तो वो वाला प्लीज वीडियो देखो, मैं उसको आई बटन में लिंक दे दूंगा आपका। पीजीबीपी का डर लग रहा है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत समझाया था, खाली और खाली एडजस्टमेंट शीट देखनी है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा देखना है, जस्ट बिफोर एग्जाम ही आप लोग को उसको पढ़ना है, अभी उसको टच भी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन वर्सेस कंसेप्ट में से क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट देखने का टाइम गया। मिक्सअप रिकॉल हो रहा है आपको, पक्का पक्का याद आएगा, मेरी गारंटी है, लिख के ले लेना, ठीक है। अभी आपको लगेगा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है, जिनका बोथ ग्रुप है, आपने 1.5 दिन में तो पढ़ा ही है, तो 1.5 दिन का पढ़ा हुआ याद आएगा ही आपको, जिनका ये खाली सिंगल ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, तो उन लोगों ने भी 3-4 जो दिन दिए है, याद आपको पक्का पक्का आएगा, ठीक है। पास होने के लिए हमको कितना पढ़ना जरूरी है, मैंने बोला कैटेगरी 1, 2, 3, 4 वाली वीडियो है ना, उसमें मैंने मार्क्स वाइज बताया कि ये पढ़ लोगे तो इसमें इतने मार्क्स का कवरेज होगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, तो वो एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें मैंने पूरा बताया कि पेपर जितना भी आता है ना उसमें से कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन आता है, ठीक है, एस्टिमेटेड कवरेज बताया। सर डीटी पहले कभी नहीं पढ़ा है, ऐसा भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे पूछा, तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो क्या करें? मैंने बोला अगर आपको देने ही जाना है ना, आपने पहले पढ़ा भी नहीं है, तो अगर आप ऐसी देर के तो बिंदास मैन के साथ देने जाना, टेंशन वेंशन देना मत, और खाली कोई रिवीजन लेक्चर देख लोगे ना, मैराथन देख लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब 100% एक्यूरेसी के पीछे मत भागना, एक एक क्वेश्चन को बहुत बहुत बार मत पढ़ने बैठना, खाली एक दो बार नजर घुमा लेना, पन्ने पलटाते जाना, नजर घुमाना, पन्ने पलटाते जाना, ठीक है। टीडीएस में क्या करें? खाली और खाली रिवीजन वीडियो देखना, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन इतने सारे हैं नहीं हो पाएंगे एंड टाइम पे, और हो सके तो मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो खाली रिवीजन वीडियो देख के उधर अपने हिसाब से आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा। टीडीएस में तुमको केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे ना पूरे, तो उसमें अपना जो फॉर्मेट होता है ना वही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो अपना लॉ में फॉर्मेट नहीं होता, प्रोविजन लिख दिया, फैक्ट्स लिख दिए, दोनों का रिलेशन मार के
कंक्लूजन लिख दिया, बस एक पेज के अंदर अंदर ये आपका समअप हो जाना चाहिए, ठीक है। टीडीएस की भी एक प्रो टिप देने वाला हूं अभी, जैसे जैसे वीडियो खत्म होगी आगे बढ़ेंगे, जब मैं एग्जाम राइटिंग हैक्स बताऊंगा तो उसमें मैं प्रो टिप दूंगा टीडीएस के ऊपर भी। अगली बात, टैक्स ऑडिट के क्लॉज नंबर याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा। टैक्स ऑडिट में कम से कम मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आपको करने ही है। एग्जैक्ट लैंग्वेज सेक्शन नंबर याद रखने की जरा भी जरूरत नहीं है। रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट मत करके आना एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है ना, आईसीए तो ऐसा करने को मना करता है पर एग्जामिनर होता है उल्टी खोपड़ी का, तो वो आपका आंसर पढ़ना चालू करता है। स्टार्टिंग में उसको देख गया ना कि रॉन्ग सेक्शन नंबर है तो वो आगे का आंसर पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट मत करना, एज पर रेलिवेंट सेक्शन लिख के आना, लेकिन रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट मत करना, राइट आता हो ना तो ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम राइटिंग एक्स के, आपको एग्जाम किस प्रकार से लिखनी है, क्या सीक्वेंस में लिखनी है। पीजीबीपी क्वेश्चन एकदम आखिरी में करना है, भले आपको जितनी भी अच्छे से आता हो, मैक्सिमम उसमें 10 मार्क आपको मिलेंगे आउट ऑफ 14 मार्क, रफली सॉल्व करना है। आखिरी के 15 मिनट में सॉल्व कर रहा था मैंने और मेरे को 7 मार्क्स मिल गए थे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया था। मैंने प्रिपरेशन में भी 1 घंटा भी नहीं लगाया था मेरे पीजीबीपी की प्रिपरेशन में, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं मैंने भी ऐसे ही किया था। एडजस्टमेंट शीट देखी थी आखिरी के 1 घंटे में और चला गया था पेपर देने, ठीक है। आखिरी के 15 मिनट में क्या था, जाहिर सी बात टाइम तो नहीं था, तो पर्टिकुलर से रफली लिख दिए और फिगर्स आपको क्लियर दिखाने। पर्टिकुलर्स में आप ऐसे कुछ भी रफली लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई पर्टिकुलर्स पढ़ने नहीं वाला, बस उसको दिख रहा होना चाहिए कि भाई कुछ पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली वन लाइन के नोट आपको साथ साथ में लिखने हैं, एंड में नहीं लिखने, ऐसा ब्रैकेट करके उसको पता होना चाहिए भैया पेन से कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। भले रफ हैंड राइटिंग मार के लिख देना पर लिख के आना, वन लाइन के नोट लिख के आने तो मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। खाली ऐसा ब्रैकेट उसको दिखना चाहिए उधर, ठीक है। आईसीएआर ने बड़े बड़े नोट्स लिख रखे हैं तो अपने को भी क्या बड़े बड़े लिखने, मैंने बोला नहीं सर अपने को भी बड़े बड़े नहीं लिखने। दूसरी जगह पे भी जिधर जिधर मॉड्यूल में आईसीए ने बड़े बड़े नोट्स लिख रखे हैं अपने को भी बड़े बड़े लिखने, मैंने बोला नहीं अपने को खाली वन लाइनर लिखने, वो भी सेक्शन नंबर के बिना लिखने, वो भी ओन लैंग्वेज में लिखने, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि आईसीए की एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। अब केस बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन जैसे टीडीएस में आते, मैंने बोला, या जैसे आते हैं अपने असेसमेंट वाले चैप्टर में, अपील्स वाले चैप्टर में, एडवांस रूलिंग वाले चैप्टर में, क्या करना होता है ना, जिन चैप्टर के क्वेश्चन तो आपको आते हैं, मतलब जिनके आंसर आपको आते हैं, तो पहले प्रोविजन लिखो, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, फिर दोनों का रिलेशन लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। लेकिन जिनके आंसर आपको नहीं आते ना, तो उसमें से भी अगर आपको मार्क्स चुराना है ना, तो उसका एक टेक्निक होता है, पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो, फिर प्रोविजन लिख दो, फिर रिलेशन लिख दो, फिर कंक्लूजन लिख दो। फैक्ट्स ऑफ द केस आपको क्वेश्चन में से ही छापना है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको दया भावना से फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ के वो देगा ना, हाँ आंसर की शुरुआत तो राइट है, तो दया भावना से आपको एक दो नंबर तो दे देगा, एक नंबर दे देगा चलो चार में से, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप प्रोविजन से शुरुआत करते तो आपको जीरो नंबर मिलता, तो अभी हो सकता है एग्जामिनर आपको एक नंबर दे दे, हो सकता है ना भी दे, पर लिखने में क्या है भाई, पहले क्या लिखना है, वैसे भी अपने को जीरो नंबर मिल रहा था, तो इससे अच्छा ये करके आ जाओ ना भाई, प्रोविजन रिलेशन कंक्लूजन भले गलत होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस का शायद वो एक नंबर दे तो देगा दया भावना में, तो प्लीज ऐसा सब करके आना, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्जाम राइटिंग हैक्स। फिर एंड में एक एक नंबर जब बढ़ता है ना, तभी 39 का 40 होता है, 59 का 60 होता है, अभी कीमत नहीं पता चलेगी आपको एक एक नंबर की, उस टाइम पे पता चलेगी, ठीक है। फिर जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें ऐसा होता है, क्या एसएससी का कंटेंशन राइट है, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर का कंटेंशन राइट है, ऐसा वो लोग पूछते हैं, क्या वैलिड है या इनवैलिड है, तो प्लीज प्रोविजन लिख के मत आना, मतलब प्रोविजन तो लिखना ही है, उसके साथ एंड में कंक्लूजन भी देके आना, नहीं तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, चार मार्क के क्वेश्चन में दो ही मार्क्स मिलेंगे आपको, नहीं समझ रहे हो। एसएससी का कंटेंशन वैलिड है, एसएससी का कंटेंशन वैलिड नहीं है, आईटी ऑफिसर का कंटेंशन वैलिड है, ठीक है। इस सर्च जो की गई है, सर्वे जो किया गया प्रॉपर है, ऐसा कंक्लूजन लिख के आना जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। अब कभी कभी क्या होता है ना, पीजीपीपी में कुछ चीजें ऐड करनी होती है, कुछ चीजें माइनस करनी होती है, कुछ चीजें क्वेश्चन में दी होती है, उसका कुछ भी नहीं करना होता, तो नॉट एप्लीकेबल ऐसा लिख के आना, पर्टिकुलर्स में ऐसा लिखने का, उसको लिख देने का एन ए नॉट एप्लीकेबल, पीजीपीपी में हो गया, ट्रस्ट में हो गया, मैट एएमटी में हो गया, जिनको प्लस भी नहीं करना है माइनस भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा लिख के आना नॉट एप्लीकेबल। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, स्किप ही कर देते पॉइंट को, स्किप कर दो आपके मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा मत करना। अब टैक्स लायबिलिटी की डिटेल्स आपको एग्जाम में नहीं दिखानी है, यानी कि अप टू 2.5 लाख निल, ऐसा उन लोगों ने मॉड्यूल में या आपके क्वेश्चन बैंक में ऐसा सॉल्व करके दिखाया होगा, आईसीएन ऐसा लिखा होगा अप टू 2.5 लाख निल, आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दे देना है, टैक्स लायबिलिटी का एक ही नंबर होना है, ठीक है। अब टीडीएस टीसीएस की प्रो टिप सुन लो, आपको दो सेक्शन में कंफ्यूजन हो गया आगे कि आपको लग रहा है ये सेक्शन भी आएगा वो सेक्शन भी आएगा, तो क्या करना है, आपको सेक्शन नंबर कोट ही नहीं करना है। सर क्यों कोट नहीं करना है, अब मान लो दो सेक्शन में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, तो हो सकता है उसमें से एक है सेक्शन नंबर वन, एक है सेक्शन नंबर टू, अब हो सकता है सेक्शन नंबर टू जो है ना वो राइट है, लेकिन आप लोगों ने सेक्शन नंबर वन पहले लिख दिया, तो वो तो फिर आपको मार्क्स देगा ही नहीं, ठीक है, वो आगे का हो सकता है पढ़े ही ना, तो क्या करना है आपको, एज पर रेलिवेंट प्रोविजन, अगर आपको सेक्शन नंबर याद हो तो भी नहीं लिखना, अगर दो सेक्शन में कंफ्यूजन है तो, अगर एक ही सेक्शन आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है तो यही आएगा, आपको सेक्शन नंबर भी याद है तो लिख देना सेक्शन नंबर, दो में कंफ्यूजन तो सेक्शन नंबर नहीं लिखना, फिर पहले वो वाला लिखना जिसमें आप मोर कॉन्फिडेंट हो, सेक्शन मतलब वो वाला एक्सप्लेनेशन देना वो वाले सेक्शन का जिसमें आप मोर कॉन्फिडेंट हो, फिर वो वाला कह देना जिसमें आप लेस कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस जो है ना वो पक्का पक्का बढ़ जाएंगे, लेकिन सेक्शन नंबर कोट मत करना कभी भी अगर दो सेक्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। उसके बाद लाइन से मतलब वो पेन से आपको कोई भी लाइन वैन नहीं बनानी है, ऐसा ऊपर पर्टिकुलर नहीं भी लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट रुपीज लिख के और चालू हो जाए, पेन से लाइन बनाइए, लाइन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हेडिंग दे देना,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो खाली कैलसी, ठीक है, कैलकुलेशन पूरा नहीं लिखना, कैलसी ऑफ एसटीसीजी एलटीसीजी ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा, रुपए लिख के फिर पर्टिकुलर्स लिख के इधर फिगर्स क्लियरली दिखा दियो बस और कुछ नहीं। फिर दो तीन टॉपिक है ना छूट रहे हैं सर, मैंने बोला दो तीन टॉपिक आपको फेल नहीं कर सकते, डीडी का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, दो तीन टॉपिक तीन चार टॉपिक मैं तो बताऊँ चार पांच टॉपिक भी किसी ना किसी के छूट जाएंगे, तो आपको फेल नहीं कर सकते, आप पास हो जाओगे, ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखना, दो तीन टॉपिक छोड़ने से कुछ नहीं होता। और सारे के सारे रेट्स को और सारे की सारी डेट्स को रिवाइज करके जाना, जिधर भी इंपॉर्टेंट डेट्स आती है कहीं पर भी, ठीक है, फिर जो रेट्स आते हैं वो सारे चीजें क्या करके जाना, सुबह सवेरे उठ के रिवाइज करके जाना अच्छी तरीके से, आपका डीटी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे लिखो आई विल रॉक इन डीटी, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस।